हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 150 रुपये कैसे कमाएं फ्री में। ये कोई रिफर एंड अर्न नहीं है, ना ही कोई ट्रिक है कि इसको हैक करो उसको कुछ करो, नहीं। ये सिर्फ सिंपल एक ऐप है जिसने आज के लिए कुछ शर्तों पर निकाला है कि वो 150 रुपये आपको वापस कर देगा सीधा आपके बैंक अकाउंट में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सीधा बैंक अकाउंट में, ना कि किसी वॉलेट में या किसी और ऐप में या किसी शॉपिंग साइट पर। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब हम सीधा उस पर आते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा ये ऐप फ़ोन पे फ्रॉम प्ले स्टोर, एंड जिस भी आपके मोबाइल सिम पर नेट बैंकिंग अवेलेबल है उससे जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया है। तो रजिस्टर करने के बाद ये कुछ ऐसी स्क्रीन खुलेगी जिस पे आप अपना अकाउंट और सब देख सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें जा करके अपना VPA कुछ ऐसी तरह का है जैसे हम जीमेल बनाते हैं या फिर कुछ अकाउंट क्रिएट करते हैं यूज़र नेम के लिए, और जा करके अपना एक UPI पिन भी सेट करना पड़ेगा जिससे हम ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो पहले तो हम 150 रुपये लेने के लिए एक टर्म्स एंड कंडीशंस देख लें कि 150 रुपये मैक्सिमम कैशबैक है इस ऑफ़र के लिए। तो 300 रुपये हम लोग ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रांजेक्शन करेंगे 300 रुपये का, और जियो प्राइम का भी ऑफ़र आप यहाँ पर ले सकते हैं कि 50 रुपये आपको कैशबैक कर देगा ये सीधा आपके बैंक बैलेंस में, ना कि वॉलेट पे। तो ये मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने 150 रुपये मुझे कैशबैक मिला है, तो मैं वापस कर रहा हूँ, मैं अपने बैंक अकाउंट में डाल रहा हूँ। तो सिंपल लाइक दैट, तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप और आपके कैशबैक वापस आ गए। अब हम बताएंगे कैसे इसमें ट्रांजेक्शन करना है, क्योंकि ट्रांजेक्शन करना इसमें कुछ थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि आप सीधे VPA से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। VPA असल में है वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस, ये एड्रेस आपके लिए होता है कि ट्रांजेक्शन करने के लिए ऑनलाइन नेट बैंकिंग के लिए। तो और UPI पिन से आप आराम से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो दो तरीके के ट्रांजेक्शन है, एक VPA से और एक है बैंक अकाउंट डाल करके। मैंने यहाँ पर बैंक अकाउंट डाल के किया है क्योंकि मुझे पता नहीं था कि VPA से बैंक अकाउंट से लिंक होगा कि नहीं होगा, बट इसमें है तो आप VPA से करें, VPA से बहुत ही आसान पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले सेंड पर जाएं, और फिर उसके बाद ये मैंने VPA एक ऐड कर रखा है, सिंपल जा करके उसका जो VPA यूज़र नेम होगा वो आपको ऐड करना है। जैसा कि यहाँ पर है हम लोगों का, वैसे ही सबका होगा, तो बस ये ऐड करना है और सेंड कर देना है। ये सबसे ईजीएस्ट वे था, तो मुझे पता नहीं था तो मैंने बैंक अकाउंट से किया। तो बैंक अकाउंट भी आसानी है, IFSC कोड डालें, अकाउंट नंबर डालें, अकाउंट नंबर दूसरी बार डालें कन्फर्म करने के लिए, और फिर उसके बाद उस बंदे का नाम जिसके नाम पर अकाउंट है, और सेंड कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट अपने अकाउंट से डेबिट करके ऊपर प्राइस लिख करके।